गोरखपुर में मौजूद हैं पांच आतंकी, फोन पर हुई बातचीत डिकोड। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने लिया किया करवा चौथ का उपवास, चांद के दीदार कर पूरा किया व्रत। उत्तर प्रदेश के तमाम चैनलों को पछाड़ते हुए भारत समाचार बना नंबर वन, आपके अपने चैनल भारत समाचार पर भरोसा दिखाने के लिए दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शरण। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। हापुड़ में पुलिस हिरासत में हत्या के मामले में सीओ समेत सात पुलिस वालों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। सीओ संतोष मिश्रा पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर योगेंद्र और चौकी इंचार्ज पर भी केस दर्ज किया गया है। निर्दोष युवक प्रदीप को तड़पाकर मारा गया था, बेगुनाह को पुलिस चौकी में टॉर्चर किया गया था। भारत समाचार ने खुलासा किया था, परिजनों ने 25 लाख की ब्लड मनी ली थी। डीजीपी के आदेश पर हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। मृतक, आपको बता दें, मृतक का बेटा भी यहां पर लगातार गवाही दे रहा था, बता रहा था किस तरह से थाने में उसके पिता को टॉर्चर किया गया था, बिना पानी दिए बेरहमी से रात भर पीटा गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने समझौता करने की कोशिश की थी, ब्लड मनी देकर परिजनों ने समझौता किया था, लेकिन अब यहां पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। मेरे पापा जी को टूल ट्रैक्स से उठाया गया था, छिजार से कोतवाली में कुंडी लगाकर उनको करंट लगाया गया, फट्टे बजाया गए, पेचकस बाड़े गए, डंडा बजाया गया, बहुत ही बहरे में उसको मारा गया और मुझ में भी चार पांच रेपट मारे गए। मेरे मुंह में बंदूक की नाल दे दी गई, तू और कुछ कहीं बताएगा तो हम तुझे मारेंगे। में दारू धरी थी, पापा जी को दारू मार पी के मारा था। जब मैं ज्यादा रो रहा था तो उन्होंने मुझको ही मारा। कितने लोग थे उस समय? 10-12 सिविल सर्विस वाले, 3-स्टार वाले, सिपाही वाले। जो मृतक है, मृतक के भाई की तरफ से तहरीर है, इसमें जो इंचार्ज हैं और जो और चौकी के प्रभारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध तहरीर है, एफआईआर दर्ज करने के मेरे द्वारा आदेश दिए गए हैं। पुलिस कर्मचारी जो लखवा के थे उनके विरुद्ध तहरीर है, तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ खुद डीजीपी ओपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह जी, आपका स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह से हापुड़ में पुलिस ने जुल्म की कहानी सामने आई थी, अब बड़ी कार्रवाई हुई है, सात पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बहुत ही गंभीर प्रकरण था जिसको हमने संज्ञान में लिया जी। सर्वप्रथम जब ये घटना सामने आई तो हम लोगों ने तत्काल पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया, मैजिस्ट्रियल जांच का रिक्वेस्ट किया और जितने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जितने भी गाइडलाइंस थे, उनका पालन कराया जी। लेकिन जब इसकी गंभीरता और पता लगी तो ये उचित हो गया कि उनके परिवार वालों की मांग पर हमने हत्या के मुकदमा दर्ज कराया उन सभी पुलिस कर्मियों का जो वहां पे किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे। सर्किल ऑफिसर, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और अन्य पुलिसकर्मी, सात पुलिसकर्मियों पर हत्या के दोष के आरोप में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जी। और विवेचना से और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से जो भी सच्चाई सामने आएगी उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जी। जी ओपी सिंह जी, जिस तरह से मामले में ब्लड मनी का भी एक पहलू आया था कि पुलिस ने जो यहां पर पहले टॉर्चर किया उसके बाद मामले को दबाने के लिए परिवार से समझौते करने की भी कोशिश की, लगातार सरकार की कोशिश है कि पुलिस की छवि जनता में अच्छी बने, लेकिन इस तरह के पुलिसकर्मी बार बार दागदार करते हैं खाकी को, तो किस तरह का संदेश देने की कोशिश करेंगे अब आप? ये सही है कि हम लोग हमेशा से पुलिस की छवि को सुधारने में लगे हुए हैं। पिछले 2-2.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे द्वारा कई ऐसे प्रयास किए गए हैं और उसमें सफलता भी मिली है जी। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि सुधरी है, जनता के बीच हमारा अच्छा संदेश गया है, हमने क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर पे काफी उपलब्धियां हासिल की हैं जी। बहुत से तकनीकी क्षेत्रों में हमने व्यापक प्रचार प्रसार किया है, लोगों को जन सुविधाएं दी हैं। हमारा यूपी कॉप मोबाइल ऐप या यूपी 100 या फॉर दैट मैटर जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, सबको जनता ने काफी सराहा है। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिसके कारण इस प्रकार की छवि में फर्क पड़ा है। मैं समझता हूं कि इन सब घटनाओं में अगर तत्काल कार्रवाई की जाए तो जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाता है, और यही कारण है कि हमने जब इसको देखा
कि ये कार्रवाई जरूरी है जी। और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जी। हमने तत्काल आदेश दिया एसपी हापुड़ को जी। कि इसमें 302 का मुकदमा दर्ज हो और एक निष्पक्ष विवेचना के आधार पर आवश्यक कार्रवाई। परिवार भी यही चाहता था कि उसे न्याय मिले और आपकी ये कोशिश उनकी उम्मीदों को और बढ़ावा देगी। तमाम जानकारी देने और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं किस तरह से हापुड़ में जिस तरह से टॉर्चर का पूरा मामला आया था, अब आरोपी सिपाहियों पर FIR भी दर्ज हुई है। पुलिस ने हापुड़ घटना को गंभीरता से लिया है। भारत समाचार से खास बातचीत में खुद DGP OP सिंह ने बात कही। उन्होंने कहा कि हमने हापुड़ मामले में तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने परिवार को इंसाफ दिया है। खुद ये बात DGP OP सिंह ने भारत समाचार से खास बातचीत में कही है। जिस तरह से हापुड़ में पुलिस का बेरहम चेहरा आया था, मासूम गवाही दे रहा था, किस तरह से रात भर उसके पिताजी को टॉर्चर दिया गया, उसके बाद अब खुद यहां पर DGP OP सिंह ने मामले का संज्ञान लिया। और आइए अब आपको बताते हैं हापुड़ में हिरासत में मौत का पूरा मामला क्या था। यूपी में ब्लड मनी का खौफनाक मामला, पुलिस कस्टडी में प्रदीप की हत्या, घर वालों ने 25 लाख में सौदा किया, 25 लाख की ब्लड मनी परिजनों ने ले ली, पुलिस वालों ने 25 लाख ब्लड मनी में दिए, प्रदीप तोमर को टॉर्चर करके मारा गया, 3 घंटे में 250 पट्टे मारे गए, एक पूर्व विधायक ने समझौता कराया, परिजनों ने प्रदीप का मर्डर बेच लिया, हत्या की FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? पापा बुलबुलाते रहे, साहब जी छोड़ दो, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। अब पानी मांगते रहे, फड़फड़ाते रहे, जब भी उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने ले गए चौकी में, उसके बाद उन्होंने मारे, फिर पुलिस वाले ने मारे हैं। पुलिस वालों की इतनी गुंडागर्दी चल रही है कि भाई की इतनी संगीन हालत करी है कि इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। बेटा गवाही दे रहा है, परिवार परेशानी बता रहे थे और पोल खोल रहे थे हापुड़ की हैवान पुलिस की कि कैसे एक बेगुनाह को थाने में लाकर जुर्म की हदें पार कर दी गई। पुलिस कस्टडी में प्रदीप की मौत के बाद ही कई सवाल हैं और अब मामले को दबाने के लिए, कारगुजारी को छिपाने के लिए ब्लड मनी का गेम हो रहा है। जानकारी के मुताबिक परिजनों को 25 लाख देकर खाकी के गुनाह पर पर्दा डाल दिया जा रहा है। एक विधायक के कहने पर समझौता कराया गया और इस पूरे मामले में सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस मामले में क्या छिपा रही है? अभी तक SP पर कार्रवाई क्यों नहीं? पूर्व MLA ने किसके कहने पर कराया समझौता? पुलिस के पास 25 लाख कहां से आए? हत्या की FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है, पर सिस्टम को जाने वाले जालिमों ने जख्म देकर भी खुद को सेव करने का सुराग ढूंढ लिया और कलंक की कहानी को पैसे की पावर से मैनेज कर लिया। इस मामले में IPC की धारा 302 के तहत पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर एक पंचायत जुटी, उस पंचायत में प्रदीप की लाश की बोली लगाई और पुलिस वालों ने 25 लाख रुपए देकर प्रदीप की लाश को खरीद लिया। कानून हार गया और दरिंदे पुलिस वाले जीत गए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और चलिए बात करेंगे करवा चौथ की। तो महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। महिलाओं ने आसमान में चांद का दीदार कर व्रत पूरा किया। अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर भूखे प्यासे रहकर महिलाओं ने व्रत रखा।
और जैसे ही आसमान में चांद नजर आया, महिलाओं ने चांद का दीदार किया। फिर छलनी से अपने पति को देखा और अपना व्रत तोड़ा। पतियों ने भी इस तप में अपनी अपनी पत्नियों का खूब साथ दिया, हाथों से पानी पिलाकर उनका व्रत पूरा कराया। कानपुर हो, लखनऊ हो, मुरादाबाद, गाजियाबाद या फिर मेरठ या नोएडा, गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक हर जगह महिलाएं लाल जोड़े में श्रृंगार करके नजर आईं। हाँ, फर्स्ट टाइम रखने का नया नया क्रेज तो होता ही है। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, इसे रखकर हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। हम लोग अपने करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, कि सब सुख शांति से रहें। इंदर महाराज जी ने वेट तो बहुत करवाया है, बट फिर भी जो निकला है सबके चेहरे पे खुशियां लेके आया है। मैंने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और मौत बहुत खुशी है, और भगवान इनकी लंबी उम्र करे। इंतजार रहता है इस व्रत का कि हम ये कब आए और हम कब करें, और हमारे पति की लंबी आयु के लिए, हमारे बेटे की लंबी आयु के लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। फीलिंग बहुत अच्छी है और गॉड से यही प्रे करती हूँ कि जब तक जीऊँ मैं अपने हस्बैंड के लिए ये व्रत करूँ और बहुत हैप्पीली एंड बहुत खुश रहूँ, हम दोनों खुश रहें बहुत। महिलाओं ने कथा भी सुनी और पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। चांद की पूजा करने के साथ महिलाओं ने अगले बरस तक के लिए चांद को अलविदा कहा और अपने सुहाग के सलामत रहने की प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब हम आपको दिखाते हैं कैसे एक तरफ बॉलीवुड के सेलेब्स करवा मनाते नजर आए। शिल्पा विपाशा ने आज करवा चौथ मनाया है पूरी तैयारी के साथ। उन्होंने दिन भर व्रत रखा और उसके बाद चांद के दीदार का इंतजार किया। तो फिर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बॉलीवुड में भी करवा की धूम देखने को मिली, कैसे बॉलीवुड के सेलेब्स भी करवा चौथ मनाती हुई नजर आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी, विपाशा, वसु समेत बड़ी हस्तियों ने करवा चौथ का व्रत रखा है। ये पर्व है जो चाहे कोई आम हो या खास, हर कोई इसी भावना के साथ करवा चौथ का पर्व मनाता हुआ नजर आया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बॉलीवुड में भी करवा की छटा देखने को मिली। तो एक तरफ जहां पूरे देश की महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना कर सज धज कर घर में पूजा पाठ कर रही, तो वहीं मुजफ्फरनगर में कई सालों से हाथों में डंडा लेकर ड्यूटी करने वाली होमगार्ड की महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। 25,000 होमगार्डों की सेवा खत्म करते हुए उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है, जिसे लेकर सैकड़ों होमगार्डों ने मोर्चा खो दिया। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं। एकदम तुरंत हमारी ड्यूटी छीन ली गई है, इसी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। मन हमारा भी था कि भाई हम अपना घर पे त्योहार मनाएं, पर हमारी धरने की वजह हमें यहाँ पे बैठना पड़ा, क्योंकि तो सरकार ने हमारे लिए ऐसा कर दिया कि जो हमें मजबूरी में यहाँ पे बैठना पड़ा। बढ़ते आगे, देवरिया में करवा चौथ का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहाँ पर वीडियो कॉलिंग के जरिए व्रत तोड़ा गया। महिला का पति प्रयागराज में नौकरी कर रहा था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देवरिया में महिला ने करवा चौथ का व्रत रखा था और तकनीक के दौर में किस तरह से व्रत को पूरा करने के लिए वीडियो कॉलिंग का सहारा लिया गया। ये तस्वीर हम आपको देवरिया से दिखा रहे हैं। पति प्रयागराज में था, पत्नी देवरिया में थी, दिन भर का व्रत था, चांद के दीदार के बाद व्रत भी पूरा करना था। ऐसे में तकनीक का सहारा लेकर किस तरह से वीडियो कॉलिंग के जरिए व्रत को पूरा किया गया है, इसकी तस्वीर हम आपको देवरिया से दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आस्था के साथ साथ तकनीक का भी सामंजस्य बैठाकर व्रत को पूरा किया गया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम आपको उत्तर प्रदेश के तीन अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आज सड़क पर संग्राम देखने को मिला। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी से है, दूसरी तस्वीर प्रयागराज से और तीसरी तस्वीर वाराणसी की है। इन तीनों जगहों से मार्केट की तस्वीरें सामने आई, जहाँ पर सड़क पर संग्राम देखने को मिला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज सड़क पर संग्राम देखने को मिला। लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज सड़क पर जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडों से पिटाई की गई है। प्रयागराज में पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला है, तो काशी विद्यापीठ वाराणसी में भी छात्र गुटों के बीच मारपीट देखने को मिली।
तो लखीमपुर खीरी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रयागराज की और वाराणसी की तीन तस्वीरें हैं जहां पर सड़क पर संग्राम देखने को मिला है। यूपी में शहर शहर हंगामा कोहराम, तस्वीरें सामने आई। लखीमपुर खीरी प्रयागराज वाराणसी की तस्वीरें हैं। इधर लखीमपुर खीरी के सिंघाई थाना क्षेत्र के पोथीपुरवा गांव में ताजिया रखने को लेकर चौक की जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर हुई पंचायत में बात बिगड़ी और दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक दर्जन लोग घायल हो गए। अवैध कब्जा धारकों से गुजारिश करने गए लोगों से मारपीट की गई। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से आज कोहराम मचता हुआ नजर आया, कब्जे को लेकर कोहराम की तस्वीरें लखीमपुर खीरी से। नीरज द्विवेदी आए और हमको गंदी गंदी गालियां देने लगे और कहने लगे कि पट्टी ना बंदी होती तो अभी तुम्हारे 50 पट्टे मारते हम, इसलिए पट्टी बंदी है इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और ललितपुर में करवा चौथ पर बड़ा हादसा हुआ है। ललितपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, दो मंजिला मकान में भीषण आग लगी है। ललितपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, करवा चौथ पर ललितपुर में बड़ा हादसा हुआ है, दो मंजिला मकान में भीषण आग लगी है। भीषण आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया है। दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। जाखलौन थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। ललितपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर किस तरह से करवा चौथ पर यह भीषण हादसा देखने को मिला है। दो मंजिला मकान में भीषण आग लगी है। भीषण आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया है। ललितपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, दमकल ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ललितपुर से, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर किस तरह से आज आग का तांडव देखने को मिला है। त्यौहार का मौका था, करवा चौथ का व्रत यहाँ पर रखा गया था, लेकिन इस दौरान आग लग गई है। दो मंजिला मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। ललितपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, पूरा घर जलकर खाक हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी? थाना जाकलोन क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है जहाँ पर एक मकान में पूरे दो मंजिले मकान में पूरी तरह से आग लग गई। आग लगने से पूरा मकान स्वाहा हो गया। वहीं दमकल की सूचना दी गई थी लेकिन दमकल की गाड़ी एक घंटे लेट वहां पहुंची, जिससे पूरा मकान स्वाहा हो गया। और वहीं स्थानीय लोगों की मदद से जो घर के अंदर मकान में जो बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे, उनके लिए सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं करीब 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान होने की सूचना अभी आई है। संयुक्त जानकारी क्या मिल पा रही है आपको लेकर, किस तरह से आग लगी? शैलन जी, मैं आपको बता दूं कि अभी आग का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, ना ही अभी कोई कैमरे के सामने कोई बोल पा रहा है, क्योंकि अभी सब आग बुझाने में लगे हुए हैं। अभी भी आग लगी हुई है मकान में। शैलन जी, संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। ललितपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर आग का कहर देखने को मिला है। भीषण आग लगने के बाद हाहाकार की ये तस्वीरें ललितपुर से। इधर मऊ में पुलिस और सेना के जवान के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर पुलिस और सैनिक के बीच, सेना के जवान के बीच आज मारपीट हुई है। पुलिस चौकी के सामने बाइक खड़ी करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। तस्वीरें हम आपको मऊ की दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इटावा के दिव्या मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दिव्या मिश्रा के पति टीवी एंकर अजितेश मिश्रा ने ही पूरी साजिश रची थी। अपनी प्रेमिका भावना और उसके मुंहबोले भाई अखिल के साथ मिलकर अजितेश ने साजिश रची थी। बताया जा रहा कि अजितेश का महिला पत्रकार भावना के साथ अफेयर चल रहा था। एक न्यूज चैनल का एंकर, पत्रकार की माशूका, पत्रकार की पत्नी का मुंह बोला भाई, नाजायज संबंध और कत्ल की दास्तां। शुरुआती तौर पर यह कहानी आपको कुछ अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको परत दर परत समझते जाएंगे, वैसे वैसे पूरी घटना आपकी आंखों के सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगी।
देखिए इस चेहरे को, ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि कुछ वक्त पहले तक ये देशभक्ति की बातें करता था, पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने की दलीलें दिया करता था, समाज में कुछ गलत होता तो गला फाड़ फाड़ कर बहस किया करता था। लेकिन खबरें पढ़ते पढ़ते इसके दिमाग में एक प्लान आया। वो पत्नी जिसे खूब प्यार करने के ये दावे किया करता था, सोशल मीडिया पर जिसके साथ तस्वीरें पोस्ट करके उसे अपनी जान बताया करता था, उसी पत्नी के कत्ल की पूरी प्लानिंग इस पत्रकार ने की। जिस तरह अपनी एंकरिंग से पहले ये रिसर्च किया करता था, उसी तरह पत्नी के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट इसी ने लिखी। असल में ये पूरा मामला इटावा का है। निजी न्यूज चैनल में काम करने वाले अजितेश ने सितंबर में एक न्यूज चैनल से इस्तीफा दिया और तैयारी किसी और चैनल के साथ जुड़ने की थी। लेकिन इसी बीच 14 अक्टूबर को अजितेश की पत्नी दिव्या का कत्ल हो जाता है। अजितेश के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, लोग उसके साथ संवेदना जताते हैं, लेकिन कहानी कुछ और ही। असल में अजितेश का अपने साथ काम करने वाली एक पत्रकार भावना के साथ अफेयर चल रहा था। इसी बात को लेकर अजितेश और उसकी पत्नी दिव्या के बीच आए दिन बहस हो रही थी। धीरे धीरे ये लड़ाई मारपीट और गाली गलौज पर आ गई। अजितेश ने इस कत्ल की कहानी तैयार करनी शुरू कर दी और इस काम में अपनी माशूका भावना और अपनी पत्नी दिव्या के मुंह बोले भाई अखिल सिंह के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कराई। बताया जा रहा है कि अजितेश और भावना एक ही चैनल में काम करते थे। भावना ने चैनल से इस्तीफा दिया, उसके कुछ दिनों बाद ही अजितेश ने भी इस्तीफा दे दिया। इसी चैनल में अखिल सिंह भी काम करता था, जो दिव्या को बहन मानता था और राखी भी बनाता था। पुलिस के लिए हत्याकांड चुनौती बन गया था, लेकिन पुलिस ने दिव्या के मोबाइल की मदद से पूरे राज से पर्दा उठा दिया और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में शामिल महिला के ही पति अजितेश मिश्रा, उसका मित्र अखिल कुमार सिंह और उसी का महिला मित्र, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। अजितेश मिश्रा जो न्यूज चैनल में काम करते थे, तो वहीं पे रहने वाली, वहीं पे काम करने वाली एक महिला मित्र से उनके संबंध हो गए थे। उन्होंने अपने जो मित्र थे अखिल कुमार सिंह, उसके साथ मिलकर जो दिव्या है उसकी हत्या की प्लानिंग की। अपनी साथी पत्रकार भावना के इश्क में अंधे हो चुके अजितेश मिश्रा ने अखिल सिंह की मदद से पत्नी दिव्या का कत्ल कर दिया। आपको भले ही आज इसका चेहरा मासूमियत से भरा लग रहा हो, लेकिन इसके चेहरे के पीछे एक दरिंदा है जिसने अवैध संबंधों की वजह से अपनी ही पत्नी की बेरहमी से जान ले ली और अपनी पत्नी को मारकर जिस मासूमता के साथ कहीं दूर जाकर नई दुनिया बताने के बारे में ये सोच रहा था, अब वो प्रेमिका भावना और ये हैवान दोनों सलाखों के पीछे है। विवेक दुबे, भारत समाचार, इटावा। और लखीमपुर से बड़ी खबर है, जहां पर टेरर फंडिंग मामले में हम आपको ताजा अपडेट बता रहे हैं। गिरोह का सरगना मुमताज सरेंडर करेगा। सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की उसने अर्जी डाली है। अर्जी पर एटीएस ने रिपोर्ट भी दाखिल की है। कल मुमताज के सरेंडर करने की संभावना है। 49 लाख रुपए है करने में वो भी शामिल था। अभी तक टेरर फंडिंग में 4 की गिरफ्तारी हुई है। टेरर फंडिंग का सरगना मुमताज के सरेंडर करने की बात अब सामने आ रही है। मुमताज के सरेंडर के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। लगातार एजेंसियां यहां पर पूछताछ कर रही हैं। एटीएस ने रिमांड पर ले रखा और अब यहां पर सरगना भी सरेंडर करने को तैयार है। उसने अर्जी दे दी है और उसकी सरेंडर के बाद से बड़े खुलासे की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी बरामदगी की है। पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। अभियुक्त अब्बास अंसारी से हथियार बरामद किए गए हैं। लखनऊ से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब्बास अंसारी से ये हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं लखनऊ से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर हथियारों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार इस्तेमाल कहां होने थे, किस मकसद से इन हथियारों को इकट्ठा किया गया था, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस ने इन हथियारों को बरामद किया है। लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगरा से खबर है, जहां पर यमुना नदी पार करते समय हादसा हुआ है। ट्यूब पर बैठकर नदी को पार कर रहा था परिवार। यमुना पार खेतों पर ये परिवार जा रहा था, लेकिन ट्यूब का बैलेंस बिगड़ने से एक ही परिवार के 5 लोग नदी में डूब गए हैं। ग्रामीणों ने 4 लोगों को बचाया है। 1.5 वर्षीय मासूम यमुना नदी में लापता हुआ है। गोताखोरों ने 7 घंटे तक रेस्क्यू किया है।
यमुना नदी से मासूम का शव निकाला गया है। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। थाना डौकी क्षेत्र के मेरा नाहरगंज का ये पूरा मामला है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये हादसा सामने आया है। ट्यूब से परिवार नदी पार कर रहा था, लेकिन इस दौरान संतुलन बिगड़ गया, 5 एक ही परिवार के डूब गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 4 बचा लिया गया, जबकि 1.5 वर्षीय मासूम का शव बरामद किया गया है। और कानपुर से खबर है, जहां पर नशेबाजी के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। एक झोपड़ी भी जला दी गई है। कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर दबंगों ने झोपड़ी में आग लगाई है। सीओ बिलौर समेत 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव की घटना है। कानपुर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से मारपीट और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। कानपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मारपीट और आगजनी सामने आई है। दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। लखनऊ से खबर है, जहां पर सीएम योगी राज्यपाल से आज मुलाकात की है। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात की है। राज्यपाल से सीएम ने शिष्टाचार भेंट आज की है। तस्वीरें हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे की है। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लखनऊ से ही अगली खबर है, जहां पर आज लोक भवन में चल रही विभागीय बैठक अब समाप्त हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह अहम बैठक की है। बैठक में अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव खाद्य आयुक्त बैठक में मौजूद रहे। खनन पीडब्ल्यूडी गौ सेवा से जुड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ के लोक भवन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विभागीय बैठक चल रही थी। अब ये बैठक समाप्त हो चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये सब बैठक हुई है, जिसमें कई विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आज शाहजहांपुर पहुंचे। अजय कुमार लल्लू रामपुर उपचुनाव की रैली में शामिल होने के लिए जाते वक्त यहां रुके थे। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यूपी सरकार ने चिन्मयानंद को बचाने के लिए पीड़ित छात्रों को ही जेल भेज दिया है। सरकार जिस तरह विफलताओं के चादर ओढ़ती चली जा रही है, लगातार नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे, किसान आत्महत्या करने पर विवश है, कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में अपने आप में हत्या प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। समय का इंतजार करिए, उपचुनाव चल रहा है, सरकार को इसी में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इधर उत्तर प्रदेश में लगातार जालसाज फर्जी कंपनियां बनकर लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ सहित बाराबंकी सीतापुर में बेरोजगार लोगों से ठगी कर ये जालसाज करोड़ों के बारे न्यारे कर रहे हैं। रोपवे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर राम गोविंद सिंह और उनके बेटे वैभव प्रताप सिंह ने तमाम साथियों के साथ मिलकर कलेक्शन एजेंटों के जरिए सैकड़ों लोगों की रकम जमा कराई। कंपनी की तरफ से दोगुना धन वापस करने का लालच देकर किसानों के करोड़ों रुपए डकार गए। जब एजेंट इन लोगों से पैसे वापस मांगने लगे तो ये पिता पुत्र गुंडे पर आमादा हो गए। बाद हम लोगों को बताया गया कि ये स्कीमें हैं। इसके बाद हम लोगों ने लोगों से संपर्क किया, किसानों से संपर्क किया, किसान लोग मान गए। 1 साल की स्कीम थी, 2 साल की थी, 4 साल में दुगुना था, 16 साल में 10 गुना था। इस तरह से किसानों से बात की, किसानों ने अपना अपना पैसा जमा किया। अक्टूबर 2018 से ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं। ये करीब 2 करोड़ रुपया है बारह की तहसील फतेहपुर से। हमने गया था एक दो बार उनके पब पे गया तो पहले तो कहा कि पैसा दे देंगे, या अनुशासन दिया दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, एक हफ्ता रुक जाइए। उसके बाद एक लोग गए तो जैसे कोई गुंडो टाइप को बुला लिया, कहा कि मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गाली गोली भी देने शुरू कर दिया। यही दिक्कत हुई। पुलिस जो है कार्रवाई कर ही नहीं रही है। फिर जो कस्टमर होता है हम लोगों का, वो जाता है पुलिस जो है FIR करता है चौकी पे, हम लोगों के नाम अप्लीकेशन देता है। वहां हम लोग जब जाते हैं तो पुलिस यही कहती है पैसा तुम ला के दो, कहीं से भी ला के दो। हमें इतना प्रताड़ित करते हैं वो भी
पुलिस चौकी वाले कि जो है पैसा आपने जमा कराया था लाके दो। हम लोग कहीं से भी बहुत परेशान है, कस्टमर डायरेक्ट मारने की धमकी देता, हमारा पैसा दो। तो भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें? मैं बनाती हूँ ना आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट।